हाँ माँ चतरा की धरती से हम वादा करके जा रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद यहाँ से एक भी कोयला अवैध रूप से किसी का रंगदारी नहीं चलेगा। कोयला होता है जी, अरे यहाँ प्रशासन भूज भूज चार बार टर्च मार देता है तो, और अभी तरीके से जो है कि पीछे अभी हम चतरा में है और यहाँ पे बदलाव संकल्प महासभा रखा गया था। इसी बीच यहाँ पे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है, तमाम जो JBKCS के सक्रिय सदस्य हैं वो हैं चतरा के, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बात करने को, जोहार नमस्कार दादा। जोहार जोहार जोहार। आज चतरा की इस पावन धरती पे बदलाव संकल्प महासभा रखा गया था जिसमें तादाद संख्या में लोगों की भीड़ थी, क्या बोलना चाहिएगा जी? चतरा जो है उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार है और आज संकल्प महासभा में सभी ने संकल्प ले लिया कि अगर दरवाजा को द्वार को बंद कर देंगे तो घर में चोरी नहीं होगा। इसीलिए ये दरवाज़ा है और दरवाज़ा अगर टूटल फूटल रहेगा, दरवाज़ा में छेद रहेगा तो घर का सामान चोरी होगा और झारखंड का ये द्वार है, अब द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा लोकसभा का जितने सांसद बदल जाएगा 2024 में और चतरा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय किशुन रामदास जी बदल जाएंगे और हमारे आंदोलनकारी उसके जगह पे कोई होंगे। आपका चतरा स्थानीय जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के स्थानीय मंत्री जी हैं और मंत्री रहते हुए जो है कि यहाँ के चतरा का झारखंड का स्थिति तो बहुत बुरा है लेकिन उससे बुरा चतरा का स्थिति है, क्योंकि कोयला का नगर तो धनबाद है लेकिन एशिया का सबसे ज़्यादा कोयला खनन अगर होता है तो चतरा की धरती पिपरवार और जो है कि अम्रपाली में होता है। और यहाँ पूरे दुनिया में जो सबको जो है कि आपका स्कॉलरशिप मिला, झारखंड चतरा वासियों को नहीं मिला। चतरा में आज जो है कि मास्टर डिग्री का पढ़ाई नहीं होता है, चतरा में जो है कि एक मेडिकल इंजीनियरिंग का कोई ऐसा पढ़ाई का प्रावधान नहीं है आपका। इसीलिए यह बदलाव संकल्प महासभा के तहत चतरा का जो स्थानीय विधायक और मंत्री सत्या आनंद भोक्ता जी को बदल देने का संकल्प हुआ। इसके अलावा इसके आगे इस लोकसभा क्षेत्र के आगे जाएंगे तो मनिका का विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह जी को बदल दिया जाएगा, आपका लातेहार के विधायक वैद्यनाथ राम जी को बदल दिया जाएगा और पांकी का विधायक शशिभूषण मेहता जी का विदाई कर दिया जाएगा और ये बदलाव होगा। और चतरा की धरती का पूरा जो एक आपका नगर निगम है, दो अनुमंडल है, यहाँ 12 प्रखंड है, 15 आपका थाना है और यहाँ लगभग 154 पंचायत है, तमाम क्षेत्र के सभी यहाँ के स्थानीय लोगों का हित को लेकर के एक एक जगह कर्मचारी हो, अधिकारी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सब जगह यहाँ झारखंडियों को होगा। और जो यहाँ जो एक फायरिंग रेंज का जो चिन्हित किया गया है जिसमें 321 गांव को उजाड़ने का एक साजिश रचा जा रहा है हंटरगंज पंचायत और कनाचट्टी पंचायत का, आज हम ऐलान कर देते हैं कि यहाँ हम लोग का ज़मीन है, हम लोग के मर्जी के बिना एक बित्ता ज़मीन नहीं दिया जाएगा। और यह बदलाव संकल्प के मौके पर चतरा की धरती से समस्त झारखंड वासियों को एक संदेश है कि जिस प्रकार से अभी पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग का जो बदलाव संकल्प महासभा चल रहा है इसमें पूरे कमर कस लीजिए, आने वाले दिनों पे JBKCS का सरकार बन रहा है, आदरणीय टाइगर जयराम महतो राज्य का मुख्यमंत्री बन रहा है और यहाँ के दबे पिछले चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको जो है कि जिसका जो जो हक अधिकार है वो मिलेगा। चूँकि आज देख रहे हैं राज्य सरकार को जो एक होता है लीगल एडवाइजरी कमेटी, जिसके एडवाइजरी से कोई भी नीति बनता है, आज राज्य के अंदर 60-40 से यहाँ विज्ञापन लिया जा रहा है और जो नीति बनाने वाले जो लीगल एडवाइजरी कमेटी होते हैं जिसमें 32 सदस्य होता है जो सरकार के अनुशंसा पे बनाया जाता है, लेकिन सरकार 32 में से 30 को बाहरी को अनुशंसा करके बना दिया है, मात्र दो, एक लक्ष्मी मुर्मू और जयंत टोप्पो दो झारखंडी हैं, बाकी 30 बाहरी है। आपका विधि सचिव बाहरी, कार्मिक जो है कि गृह सचिव बाहरी, JSSC का चेयरमैन बाहरी, JPSC के तमाम जो है कि लोग अगल बगल CM के सभी बाहरी, तब झारखंडी के हित में नीति कहाँ बनेगा? इसलिए बदलाव संकल्प महासभा के तहत यहाँ सिर्फ MLA और MP का बदलाव नहीं होगा, यहाँ के तमाम जो प्रमुख पद हैं उसका बदलाव करके झारखंडी योग्य खतियानदारी को दिया जाएगा, चाहे गृह सचिव का बात हो, कार्मिक सचिव का बात हो, विधि सचिव का बात हो, JPSC बोर्ड के चेयरमैन सेक्रेटरी एग्जामिनेशन कंट्रोलर की बात हो, चाहे एग्जाम
लेने वाले एजेंसी की बात हो, चाहे आपका JSSC के जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, ये तमाम जगह से होते हुए जो लीगल एडवाइजरी कमेटी है, जो सरकार के अनुशंसा पे जितने भी बोर्ड है, आयोग है, जहाँ जहाँ सरकार के अनुशंसा पे बनाया जाता है, सारे जगह झारखंडी खतियानदारी योग्य व्यक्ति को बैठाया जाएगा। ये बदलाव 2024 के बाद हम लोग करने जा रहे हैं, और जिसका आगाज आज हम लोग चतरा की धरती से, और चतरा का भीड़ गवाह है कि आप यहाँ का स्थानीय सांसद आप दोबारा टिक नहीं पाएंगे, और यहाँ के जो भी चतरा लोकसभा के अंतर्गत, चाहे सिमरिया विधानसभा हो, चाहे चतरा विधानसभा हो, चाहे लातेहार विधानसभा हो, पाकी विधानसभा हो, चाहे मनिका विधानसभा हो, सारे के सारे JBKSS के यहाँ के क्रांतिकारी छात्र नौजवान जो यहाँ के स्थानीय लोग को जिसको टिकट तय करेंगे, उसको जो है कि उसके ही उसको सबको सपोर्ट करके यहाँ विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम करेंगे। चूँकि ये जो लोकसभा क्षेत्र है, चतरा का लोकसभा क्षेत्र एकमात्र अनरिजर्व है, बाकी 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ रिजर्व है, और हम लोग इस रिजर्व सीट में भी जो है कि जीत का परचम हम लोग लहराने का काम करेंगे, और ये पूरा उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार झारखंडियों के लिए लॉक हो जाएगा। चूँकि आज अलग अलग जगह जाते हैं जो गैर झारखंडी होते हैं, और गैर झारखंडी लोग आकर के जो है कि कोई कहता है कि हम चतरा से हैं, कोई कहता है कडरमा से हैं, चूंकि ये बॉर्डर लाइन है, और ये हमेशा चतरा की धरती त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती रहा है। तो वो तारीख याद है 4 अक्टूबर 1857, जहां हंसते हंसते यही फांसी टुंगरी, यही फांसी तालाब, भूता तालाब में 150 हमारे इसी माटी के वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा था, और वो पूरा आज वो गाना पूरे देश पे चलता था, सुनता है तो कोई उसका जो है कि सांसें अटकता है, उसका रूह कांपता है, और वो पूरे दुनिया में गूंज उठता है, और वो है कि जयमंगल पांडे नादिर अली दोनों सूबेदार रे, दोनों मिलकर साथ फांसी चढ़े भूताहा तालाब मेरे। और यही भूताहा तालाब, यही आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे जेल और अंचल कार्यालय के मध्य में है, और ये गवाह है वो तालाब कि यहाँ मरने मिटने के लिए चतरा के लोग तैयार रहते हैं, लेकिन हमेशा अपना मान सम्मान और अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करते हैं, और चाहे उस चतरा के धरती का एशिया का सबसे बड़ा जो कोल माइनिंग, जो चाहे पिपरवार का बात करें, चाहे यहाँ माइनिंग ये अम्रपाली का बात करें, NTPC का बात करें, जो भी अब शोषण हो रहा है अवैध तरीके से, रात में कोयला का धुलाई अवैध तरीके से होता है जी, अरे यहाँ प्रशासन भूज 4 बार टर्च मार देता है, तो और अवैध तरीके से जो है कि पीछे से पैसा दे करके यहाँ का प्रशासन कोयला और बालू पार कराया जाता है। तो हम चतरा की धरती से हम वादा करके जा रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद यहाँ से एक भी कोयला अवैध रूप से किसी का रंगदारी नहीं चलेगा कोयला में, यहाँ का कोयला, यहाँ के बालू का मालिकाना हक यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, यहाँ के किसान मजदूर छात्र नौजवान यहाँ के लोग हैं, कोई माफिया का बापौती संपत्ति नहीं है कि जब मर्जी तब वो रातों रात यहाँ का कोयला को, यहाँ का बालू को बेचने का काम करेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम चतरावासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? संदेश यही देना चाहेंगे कि आज जो आप लोगों ने चट्टानी एकता का परिचय दिया, ये पूरे झारखंडियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है, और ये झारखंडियों के लिए बहुत बड़ा सकारात्मक मैसेज आएगा। अब जो आज से जो आह्वान जो शुरुआत हुआ, आप लोग ने तमाम चतरा लोकसभा सीट या तो इसके अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए आप लोग तैयार रहें, और हम लोग का जरूरत पड़ेगा चतरा के हित के लिए, तो हम लोग दिन हो रात हो, अगर यहाँ के कोयला को, बालू को, यहाँ के ज़मीन को बचाने के लिए, चूँकि यहाँ बहुत, ये चतरा की धरती बहुत ऐतिहासिक धरती है, यह धरती पर्यटकों के लिए भी जो है कि चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ जो है कि जंगल झाड़ से घिरा हुआ यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है कि बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक जैसे जो है कि यहाँ पे महापुरुष आए हैं इस धरती पर, तो निश्चित ही हमारा यह संदेश होगा कि आने वाले दिनों पे हम लोग का जब जरूरत होगा, दिन हो रात हो, यहाँ के हक अधिकार के लिए अगर आगे आकर के सीना में गोली भी खाना पड़े तो हंसते हंसते खा लेंगे जी। दादा जोहार जोहार। तो ये थी पूरी जानकारी, आगे के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।